हेलो दोस्तों, इटर्निटी ऑफ गेम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ सागनी और आज मैं आप सभी को लैपटॉप को कैसे, मतलब विंडोज़ को कैसे प्रेजेंट करना है, थोड़ा चेंज करना है आइकॉन वगैरह, और एक बहुत ही अच्छा लुक दे सकते हैं। मैं आज उसके बारे में बात करूँगा और आपको दिखाऊँगा कि आप कैसे विंडोज़ को एक बहुत ही अच्छा और एलिगेंट लुक दे सकते हैं। तो सबसे पहले तो जो रिक्वायर होगा तो वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बता दूं, एक रॉकेट डॉक करके जो सॉफ्टवेयर आप देख सकते हैं, मैंने इंस्टॉल कर लिया है पहले से। तो ये सॉफ्टवेयर पहले इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक रेन मीटर करके एक एप्लीकेशन आता है, वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो और कुछ रेन मीटर के साथ साथ और रॉकेट डॉक के साथ साथ हम कुछ चेंज करने वाले हैं, आप खुद ही पता चल जाएगा। पहले रेन मीटर टाइप कीजिए, रेन मीटर डेस्कटॉप कस्टमाइजेशन टूल, जो पहले ऑप्शन आ रहा है उसे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर जो फाइनल रिलीज है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं पहले से ही डाउनलोड करके इंस्टॉल कर चुका हूँ। आप डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल नॉर्मली इंस्टॉल कीजिएगा, उसमें कुछ दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद रॉकेट डॉक, रॉकेट डॉक डाउनलोड रॉकेट डॉक। इसके बाद आप यहां से डाउनलोड रॉकेट डॉक कर सकते हैं। अगर आपके पीसी में रॉकेट डॉक ठीक तरह से रन नहीं हो रहा है तो आप ओल्ड वर्सन भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप नया वर्सन ही यूज़ कीजिए। उसके बाद हम विंडोज़ 10 फॉर रॉकेट डॉग, विंडोज़ 10 एक थीम आता है रॉकेट डॉग स्किन, सॉरी स्किन आता है रॉकेट डॉग के लिए, तो हम वो डाउनलोड करेंगे। इसका मैं डाउनलोड का लिंक, सभी चीज़ें का डाउनलोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद अगर आप यहाँ पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने पहले से ही करके रखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। वो जिप फाइल में आएगा, तो उसके एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको विंडोज 10 रॉकेट डॉक ऐसा कुछ फोल्डर मिलेगा। तो आप सिंपली जाइए, रॉकेट डॉक जहाँ पर इंस्टॉल किया है उस फाइल लोकेशन पे जाइए, थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर स्क्रीन में जाइए और यहाँ पर बस पेस्ट कर दीजिए। सिंपली ओपन कीजिए, इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। मैंने पहले से ही करके रखा है, फिर भी मैं आपके आपको दिखाने के लिए दोबारा करूँगा। यहाँ पर डू फॉर ऑल दिस फाइल कीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद हम पहले रॉकेट डॉक को ठीक कर लेते हैं। रॉकेट डॉक को ओपन कीजिए। रॉकेट डॉक बहुत ही ईजी है, मैं पहले कर चुका हूँ इसीलिए दिखा नहीं पाऊंगा। यहाँ पर जो भी आइकॉन रहेगा आप उसको ऐसे नीचे ड्रैग करके डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके सेटिंग्स पे जाइए, सेटिंग्स पे जाके देखिए कि स्टाइल जो है, स्टाइल के अंडर पे थीम, विंडोज 10 थीम सिलेक्ट कीजिए। इसको थोड़ा मैं हल्का कर देता हूँ, अच्छा लगेगा। यहाँ पर सिलेक्ट फॉन्ट कर सकते हैं, आप अपनी तरह से इसे मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिजेबल आइकॉन लेवल्स भी कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर अभी के लिए ऑन छोड़ देता हूँ। अरे तो क्या डॉक सेटिंग्स, अभी के लिए मैं इसको क्विट कर देता हूँ। अब आते हैं रेन मीटर को इंस्टॉल करने के बाद आपको चार चीज़ें उसके ऊपर इंस्टॉल करना होगा। आप बस यहाँ पर डाउनलोड कीजिए और इंस्टॉल कीजिए, वो अपने आप हो जाएगा। लेकिन पहले रेन मीटर को इंस्टॉल कर लीजिए अपने कंप्यूटर पे, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर रेन मीटर एलिगेंस 1.0 करके एक चीज़ है, एक इस तरह का एक क्लॉक आएगा, हनीकॉम्ब इस तरह का एक आइकॉन पैक है वो आएगा, क्लियर टेक्स्ट। यहाँ पर अगर आप कोई गाना प्ले करते हैं तो यहाँ पर होगा। मेरे अभी गाना प्ले में जब कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, शायद आपको आ जाए, आपके कंप्यूटर पे शो करे। और विज बबल करके एक विजुअलाइजर है रेन मीटर के लिए,
आप लोग देखना। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि आप एक एक ऐसे डाउनलोड करने के बाद सभी को इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं राइट क्लिक करूंगा, व्यू में जाऊंगा और नीचे सो जो डेस्कटॉप आइकन्स हैं मैं ये ऑफ करने वाला हूँ। क्योंकि रॉकेट डॉक को चालू कर लेते हैं, ऑफ, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पर रेन मीटर टाइप करूँगा, रेन मीटर ओपन है मेरे पास पहले से। उसके बाद यहाँ पर देखिए पहला आ रहा है एलिगेंस पे, पहले मैं क्लिक करता हूँ, क्लॉक पे क्लिक करता हूँ, पहला जो आ रहा है वो 24 आवर्स आ गया, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि कैसे आ गया। इसको आप अनलोड करके दोबारा एक वाला भी चूज़ कर सकते हैं, आपको जो मन करे आप वही चूज़ कीजिए। मैं यहाँ पर बिग क्लॉक चूज़ करूँगा, ठीक है। और डेट चूज़ कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पर ये डेट चूज़ कर लेता हूँ। आप इस चीज़ को ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ऐसे लाइन पर पकड़ के ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूँ, ये अभी ठीक ही है। सॉरी, क्लियर टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर जो क्लियर टेक्स्ट करके लिखा हुआ है, मैं क्लियर टेक्स्ट प्योर मत कीजिएगा, बस क्लियर टेक्स्ट कर लीजिएगा। सेटिंग्स के अंडर ऑफ कर देते हैं, हनीकॉम को चूज करते हैं। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। हनीकॉम को चूज करने के बाद जो यहाँ पर एक हनीकॉम मैं तैयार करूँगा, कैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, क्रोम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक एब्स्ट्रैक्ट वॉलपेपर डाउनलोड कर लेते हैं, देखिए कैसे लग रहा है, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं करने वाला हूँ, यहाँ पर रेन मीटर में जाके एक वेज बबल सिलेक्ट कर लेते हैं, पहले एक गाना प्ले कर लेते हैं। जाने के बाद टास्क बार के सेटिंग्स पे जाइए, वहाँ पर जो लॉक लिखा हुआ है उसे
ऑफ कर दीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए, ऑटो हाइड बार सिलेक्ट कीजिए, यूज स्मॉल टास्क बटन सिलेक्ट कीजिए, अप्लाई कीजिए, ओके कर दीजिए। और इसको मैं कर दूंगा ऊपर, लॉक सेटिंग्स पे जाइए, उसके बाद जनरल आइकॉन पोजीशन पे जाइए, बॉटम पे सिलेक्ट कीजिए, ओके कर दीजिए। तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो कैसे लग रहा है मेरा पीसी, आप बोलिए। अब यहाँ पर कोई भी एब्स्ट्रैक्ट कोई भी चीज़ सिलेक्ट कर सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो आपको कैसा लगा बोलना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अभी अभी जाके लाइक कर दीजिए। अगर आपके किसी भी लिंक या किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे पूछना मत भूलिएगा, मैं आंसर ज़रूर दूंगा, मैं हर एक सवाल का आंसर देता हूँ। और सब्सक्राइब कीजिएगा, ऐसे ही मैं कंप्यूटर की मतलब कस्टमाइजेशन लेके आऊँगा। तो ये कस्टमाइजेशन कैसा था कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।